नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बंपर जीत हासिल की है, खास करके उत्तर प्रदेश में 35 साल के बाद कोई राजनीतिक दल लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट रही है। योगी आदित्यनाथ के विकास के मॉडल को लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा मोहर लगाया है। देश भर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। बोकारो से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोकारो विधायक विरिंची नारायण के आवासीय कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के भरत यादव जी। सबसे पहले तो भरत जी, स्वागत आपका जेटी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। जो मैंडेट रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जाहिर है कि ये उत्साहित करने वाला मैंडेट है। सबसे पहले की प्रतिक्रिया क्या है अध्यक्ष होने के नाते आपकी? देखिए, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, भारी बहुमत लोगों ने दिया है। और यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देश की जनता आज चाह रही है। और उन 4 राज्यों में भी उनको देखते हुए सरकार में दोबारा वापस किया है। जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसके तहत काम हुआ और यह परिणाम बताता है कि सचमुच में सबका विकास हुआ है। और जो परिणाम आया उसमें सबका साथ मिला है। मैं बोकारो जिला के भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो 2 महीने 2.5 महीने से उत्तर प्रदेश में जा करके चुनाव के काम में लगे थे। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मिर्जापुर जिला में भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला के कार्यकर्ता लगाए थे, मिर्जापुर की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं को, वहाँ के नेताओं को, अपने नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। भरत जी, कांग्रेस मुक्त भारत ये नारा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देते रहे कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, पार्टी का अभियान आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, वहाँ तो चुनाव के समय में जो उनके शीर्ष नेता कहे जाते हैं राहुल जी, गायब रहे अपनी बहन के ऊपर छोड़ करके प्रियंका जी के ऊपर। प्रियंका जी ने नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि यह लड़की के लिए लड़ नहीं सकती है और उसको पूरी तरह से नकार दिया है। और वहीं नहीं, पंजाब में जहाँ उनकी सरकार थी, पंजाब में भी उनका बुरी तरह से पराजय इस बात को दर्शाता है कि देश की जनता अब उनको नकार चुकी है। भरत जी, एक रिएक्शन रांची से आया है। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि जो देश भर के जो वोटिंग पैटर्न है, ईवीएम का इस्तेमाल ना हो, बिना ईवीएम के देश में चुनाव कराए जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो वलूल जलूल उनको बोलने की आदत रही है, बराबर ऐसे बोल करके सुर्खियों में बने रहते हैं। और हम कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं सफलता मिली? जहां पर इन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, ईवीएम के मध्य ठीकरा फोड़ते हैं, और जहां सफलता मिलती है वहां के लिए इन लोगों के लिए ईवीएम ठीक हो जाता है। तो ये तरह से पूरी तरह से थोथी बात है और देश की जनता इनके अब इन सब बातों में आने वाली नहीं है। झारखंड में भी इनका यही असर होने वाला है। भरत जी, हमको वाइंड अप करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, सवाल पंजाब से है। आम आदमी पार्टी को बंपर सीट मिल रहा है, वहाँ पे 90 के आसपास सीट है आम आदमी पार्टी को। आरोप ये लगाया जा रहा था कि उनका जो भीतर खाने जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलगाववादियों के साथ है, खालिस्तानियों के साथ है। ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी का, हालांकि जनता के मैंडेट से चुनकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कितनी गंभीर बात है या कितना उत्साहित करने वाला परिणाम पंजाब के कॉन्टेस्ट? देखिए, उनके ऊपर जो आरोप लगा है निश्चित रूप से जांच का विषय है। और यह आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया था, यह आरोप जो उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी कुमार विश्वास, जो आम आदमी के पार्टी के स्थापना के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उन्होंने लगाया था। कांग्रेस के प्रधान मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह का आरोप लगाया था। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए। और जो परिणाम इस तरह से चौंकाने वाला आया है, तो इसे देख के तो लगता है कि कहीं ना कहीं अलगवादियों का सहयोग उनको मिला ही, उससे पहले उनका वहाँ पे कोई आधार नहीं था। लेकिन इस तरह से अचानक सबको साफ कर देना, बड़े बड़े नेताओं का वहाँ से चला जाना, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला परिणाम है। और निश्चित रूप से इसकी उनके भी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। चलिए, बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद विजय जी। ये थे बोकारो जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत यादव। आप देख रहे हैं कि जो जुबिलिएशन यहाँ है, जो सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि जो बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता है, जो बोकारो में जश्न मना रहे हैं।
जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह।